मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। छेड़खानी के आरोपी विधायकों ने अपने खिलाफ लगे आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के दो विधायकों पर ट्रेन में यात्रा करते समय एक महिला से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का चरित्र बताते हुए हमलावर है। मामले ने सियासी रंग लिया तो अब ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी विधायकों के मामले पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने अपने खिलाफ लगे छेड़खानी के आरोप को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से साजिश है। जब देख लिया कि दोनों विधायक कांग्रेस के हैं तो रगड़ दो कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और एसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे हैं? हम लोग तो कटनी में बैठे, बाकी तीन सब एक कूपे में चार बर्थ है, तीन पहले से आ रहे थे, मैं कटनी से ज्वाइन किया, 200 किलोमीटर सफर करके आते, टिफिन रखा था, भूख लगी थी, विधायक जी मिल गए, उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा छोटा सा, हम लाइट नहीं जलाए, हम वो छोटी वाली लाइट में हम खाना खाए, स्टाफ से पूछ लीजिए आप, जो स्टाफ था, हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद वो दरवाजा भट भट कर रहा था क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था उसमें, हम क्या करें, बोलें कि ये दरवाजा भट भट कर रहा, हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? पर सुना से एफआईआर की कॉपी में आपके नाम से आया है क्या? अब उसमें मुझे पता चला, हाँ अब शराब के नशे में थे भैया, इसका क्या सागर में जब पुलिस आई हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना हम शराब के नशे में, तो हमने तो ये तक कहा सागर में पुलिस को कि वो उस बहन के साथ 6 महीने का बच्चा है, सर पे हाथ रख के बच्चे के कह दे हमने छेड़खानी है, कोई बात करी हम, चलो अपराध स्वीकार करते हैं, और अभी भी कह रहा हूँ ईश्वर को साक्षी मान के कहते। वहीं कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने कहा कि महिला की बर्थ चेंज हो गई तो वह चली गई। सागर में पुलिस आई, उन्होंने कहा कि सौगंध खाकर बोल रहा हूं कि हमने महिला का चेहरा तक नहीं देखा, अंधेरा था। विधायक सुनील ने कहा कि साजिश की बुइस ले आ रही है क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि एफआईआर में मेरा विधानसभा क्षेत्र और मेरी उम्र तक लिखी है, आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र क्या है? उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, मैं तो कहता हूं कि पुरुषों को सुरक्षा की जरूरत है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि मेरे सभी साथी मेरे दोस्त जानते हैं कि मैंने कई महीने से खाना पीना सब बंद कर रखा है, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्त मेरे साथी सब जानते हैं मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद कर रखा है। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने गलत जगह पे छुआ भी है, ये भी मैंने तो उनको देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात छोड़िए, और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। पर जिस तरह का ये आरोप महिला लगा, आरोप लगाना मतलब आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है, मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार है, आरोप निराधार है। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा मैंने तो अपनी सीट उन्हें दी थी, हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।